जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजदीप जुड़ चुके हैं, आशुतोष और आलोक जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक संघल के पास दोबारा हम चलेंगे, तस्वीरें भी होटल ट्राइडेंट के अंदर की हम दिखा रहे हैं। लेकिन उसके पहले राजदीप, इन तस्वीरों पर मैं चाहूंगी आप टिप्पणी जरूर करें, क्योंकि ये ख्वाब देखा था बाला साहब ठाकरे ने, हमारा अपना मुख्यमंत्री हो ये कहा था उद्धव ठाकरे ने, और अब क्या वो वक्त आ गया। और ये शरद पवार सुप्रिया सुले की तस्वीरें इस वक्त, बिल्कुल देखिए बाला साहेब ठाकरे ने ये कहा या था या नहीं, उद्धव ठाकरे ने तो कहा था कि बाला साहेब ठाकरे का ये सपना था। बाला साहेब ठाकरे एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके हाथ में वो हमेशा रिमोट कंट्रोल रखना चाहते थे, और उद्धव ठाकरे मुझे लगा हमेशा एक ऐसे व्यक्ति थे जो इसे आप कहते रिलक्टेंट पॉलिटिशियन, पूरी तरह से पॉलिटिक्स में वो आना नहीं चाहते थे एक तरह से। जब कहा जब मुझे याद है अभी 20 साल पहले की बात है, जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की बात होती थी हमेशा कहा जाता था मुंबई में कि राज ठाकरे जो है वो वाकई बाला साहेब ठाकरे की तरह वाकई एक अग्रसर अग्रेसिव पॉलिटिशियन रहेंगे, उद्धव ठाकरे वो तो फोटोग्राफी में उनका इंटरेस्ट है। अब देखिए क्या तकदीर होती है, राज ठाकरे दिखाई नहीं देते हैं और आज उद्धव ठाकरे नियुक्त हो गए इस अलायंस के, इस आघाड़ी के लीडर, और कल शायद उनका शपथ ग्रहण होगा। दुनिया कैसे बदल गई है, राज ठाकरे कहीं के नहीं रह गए, और वही उद्धव ठाकरे जिसको लोग कहते थे अरे वो तो फोटोग्राफर है, वो तो वाकई कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। मैं मेरे कैमरामैन दोस्तों को कहता हूँ, आज एक कैमरामैन एक तरह से मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, एक फोटोग्राफर, उनको बहुत रुचि है फोटोग्राफी में, बट बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि चित्रा पहली बार ये शरद पवार की तस्वीरें, और ये दूसरे, ये वही, अगर आज उद्धव ठाकरे एक तरह से प्रमुख बनने जा रहे हैं महाराष्ट्र के, शिवसेना प्रमुख आप कहते हैं, वहाँ शरद पवार महाराष्ट्र के डॉन बन गए हैं, बिग बॉस। मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल भी हैं और आगे की ओर बैठे हुए हैं शरद पवार। सीधे रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता अशोक संघल, अशोक पहुंच चुके हैं इस वक्त, शरद पवार, सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल, यानी कि जिन बड़े नेताओं का इंतजार किया जा रहा था, उद्धव ठाकरे पहले से ही पहुंचे हुए हैं, वो तमाम एनसीपी के दूसरे बड़े नेता पहुंच चुके हैं होटल ट्राइडेंट। चलिए दोबारा से मैं रोक करूंगी अशोक सिंघल का, लेकिन उसके पहले जल्दी से आशुतोष मैं चाहूंगी तस्वीरों पर एक आपकी टिप्पणी। एक फोटोग्राफर जिनको फोटोग्राफी का बहुत शौक है, जैसा कि राजदीप कह रहे हैं वो अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं महाराष्ट्र के। राजदीप ने जो बात की कि रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन है, और जो रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन होता है जो पॉलिटिक्स में आता है थोड़ा खतरनाक हो जाता है। गॉडफादर से हमको कम से कम इतना सबक मिलना चाहिए, माइकल कॉर्लियन, खैर वो अलग अलग। बेसिक बात यह है कि मुझे ये लगता है कि जो बीजेपी ने एक बुनियादी गलती की है कि जो विपक्षी दल जो शायद आपस में डिफरेंसेस नहीं कर पा रहे थे, मतभेद नहीं निपटा पा रहे थे, उनको उन्होंने एक ऑक्सीजन का काम किया है और ये कहा है कि अगर अब आप लोग नहीं सुधरोगे, अगर अब आप लोग साथ नहीं आओगे तो शायद ख़त्म हो जाओगे। तो ये संदेश सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ कि 1967 मोमेंट्स फॉर द अपोजिशन लीडर्स के लिए है, कि जैसे 1967 में सारे विपक्षी नेता कांग्रेस के खिलाफ आए थे और उसके बाद एक एंटी कांग्रेसिज्म बना था, मारा से संदेश ये जा रहा है कि अगर आप एंटी बीजेपीज्म करोगे, सब साथ रहोगे, तब बीजेपी को हरा पाओगे, नहीं तो नहीं हरा पाओगे, और महाराष्ट्र से वो संदेश जाता है। तो ये सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं रुकेगा बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी जाएगा, वहाँ भी ऐसे अननेचुरल अलायंसेज होंगे। अब इनकी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर आपने सरकार बना ली है तो उसको 5 साल चलाइए। मेरा अपना अप्रिहेंशन ये कि 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी तब लोगों को लगता था, आडवाणी जी को लगता था कि 2 महीने से ज़्यादा नहीं चलने वाली, लेकिन वो 10 साल चल गई। अगर ऐसा कहीं हो गया तो फिर बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में दिक्कत आने वाली है। चलिए ये तस्वीरें आपके सामने हैं, बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में क्या दिक्कत आने वाली है, अपने आप में बड़ा सवाल, लेकिन सभी के मोबाइल फोन के जो कैमरे हैं वो इन बड़े नेताओं की ओर और कैप्चर करते हुए ये तस्वीरें, क्योंकि कम से कम आज बड़ी इन तमाम पार्टियों को बड़ा मौका मिला है। और ये देखिए ये तस्वीरें आपके सामने हैं, शरद पवार पहुंच चुके हैं, मुनीश पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उसके बाद आलोक जी मैं तुरंत आपके पास आऊंगी, शहनवाज हुसैन जी भी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन मुनीश, शरद पवार वहां पर पहुंच चुके हैं और किन किन बड़े नेताओं का अब इंतजार होगा, क्या खबर? लेकिन ये जरूर है कि टॉयलेट के बाहर बहुत बहुत ज्यादा खुशी वाला है और उत्सुकता वश लोग नारे लगा रहे हैं और अपने नेताओं को देखकर खुशी में समाय नहीं थी। अपने संवाददाता तक हम जाएंगे, उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आपको बता दें कि शरद पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे, ये लोग भी ट्राइडेंट होटल पहुंचे हुए हैं। इनके अलावा
धनंजय मुंडे भी वहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें मैं चाहूंगी आलोक जी, इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी। बात को आगे बढ़ा रहा हूं, जिस तरह से सोनिया गांधी तो राजीव गांधी के भी राजनीति में आने के खिलाफ थी, और आज सोनिया गांधी राहुल गांधी को प्रतिष्ठित करने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं, उसी तरह से मेरा ख्याल राजदीप जी जानते हैं कि उद्धव ठाकरे स्वास्थ्य के कारणों से भी मानते थे कि पता नहीं आगे कुछ करेंगे कि नहीं, लेकिन वो भी आदित्य ठाकरे को पहले उन्होंने आगे बढ़ाया, बार बार नाम आया कि मुख्यमंत्री वो हो सकते हैं, तो एक तरह से आदित्य ठाकरे के लिए भी रास्ता वो खोल रहे हैं। लेकिन आज आज की बड़ी बात, जैसे ये शरद पवार की तस्वीरें मैं देख रहा हूँ चित्रा, बड़ी बात ये है कि वही शरद पवार दिल्ली की राजनीति में नरसिम्हा राव के सामने हारते हैं, सोनिया गांधी के सामने हारते हैं, लेकिन जैसी ही बाजी मुंबई में जैसी युद्ध एक तरह से मुंबई चला आता है तो वहां उनको कोई टक्कर नहीं दे पाया। उन्होंने आज अमित शाह, नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस, ये त्रिमूर्ति को एक तरह से उन्होंने हराया है। लेकिन ये सबूत ये दिखाता है, जब आप प्रादेशिक क्षेत्रीय सत्रप हैं तो आपके इलाके में आप वहां के डॉन हैं। आज शरद पवार ने दिखा दिया, और चित्रा मैंने उनको इंटरव्यू किया था पिछले महीने, उन्होंने कहा था मैं भले ही 80 साल का हूं, ये उम्र की बात एक बार फिर मत कीजिए, मैं 18 साल का हूं, अभी तो मैं जवान हूं। आज उन्होंने दिखा दिया है अभी तो मैं जवान हूं, ये उनके राजनीतिक जीवन में मैं समझ रहा हूं। 1967 में पहली बार वो MLA बने, ये उनकी राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी जीत है, ये बात आप जानिए, 50 साल बाद ये उनकी सबसे बड़ी जीत आज। इस दौरान हमने उनका एक बड़ा संघर्ष भी देखा, जब अपने ही भतीजे के खिलाफ आपको संघर्ष करना पड़े तो उस वक्त कितनी ज्यादा मुश्किलें होती हैं, क्योंकि व्यक्ति दूसरे दुश्मन से तो हार या जीत सकता है, लेकिन जब अपने ही परिवार के भीतर लड़ाई हो तो उससे लड़ना बेहद मुश्किल होता है। और महाराष्ट्र को उन्होंने प्राथमिकता दी। और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में 1 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह, इस वक्त की बड़ी जानकारी। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।